जो आज के वेबिनार में है, और आज के मुख्य आयोजक इंद्रराज सिंह सैनी जी वो भी अभी जुड़े हुए हैं, सब लोग सुनेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी, स्वागत है सर। आरजेएस फैमिली और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मेरी ज्यादा तारीफ कर दी। मैं एक आम आदमी हूँ, आम शिक्षक हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, अपने हिस्से का जो काम है वो काम मैं करता हूँ। और मेरे YouTube चैनल का नाम अकबरनामा नहीं, थोड़ा सा करेक्शन, अंबेडकरनामा है। अंबेडकरनामा जी जी, वो लॉकडाउन में मैंने शुरू किया था, बोलने की आदत है तो कहीं जाना नहीं था तो इसीलिए बोला। तो खैर, आप सब सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फुले डॉक्टर अंबेडकर को स्मरण कर रहे हैं, उनका जन्मदिन है, लेकिन एक और महापुरुष की जयंती है, वह है राहुल सांकृतायन। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है, और मुझे लगता है कि सब लोगों को याद किया जाना चाहिए, और उनके जो संदेश हैं वो जाने चाहिए, उनके जीवन के मायने क्या है ये जरूर लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। जी, माफी चाहूंगा, राहुल सांकृतायन पे जो वीडियो आरजेएस पॉजिटिव मेकर दूरदर्शन के ईशान खान जी ने जुड़े थे, उन्होंने बताया भी था। अच्छा, ईशान खान जी ने राहुल सांकृतायन को भी, हम लोग सभी महापुरुषों को याद कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन आज आपने मैं एक संदर्भ में मैंने बात कही है, और संदर्भ में अभी आपके सामने मैं पढ़ने वाला हूँ। राष्ट्र प्रथम, सही बात है, और इसलिए मैं भारत के एक महानतम राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे कुछ बातें रखूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। काशी प्रसाद जायसवाल का शायद नाम बहुत लोग नहीं जानते हो, बहुत ही पहले फर्स्ट ग्रेट नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, और उनको हिंदू पॉलिटी बहुत ही चर्चित किताब थी, उसको गीता की तरह लोग आजादी के आंदोलन में उसका इस्तेमाल करते थे। गांधी गीता का इस्तेमाल करते थे और पॉलिटिकल क्लास हिंदू पॉलिटी पढ़ते थे और समझाते थे। 1924 में वो किताब छपी, और उसके पहले अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1912 में कलकत्ता में काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू राजतंत्र पे एक सीरीज ऑफ लेक्चर दिया था, जो कि अंग्रेजी में मॉडर्न रिव्यू में छपा था और बाद में किताब में छपा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा पूरा शोध उनके ऊपर है, मुझे जिस भी ब्रांड से कोई ब्रांड कर सके, लेकिन ये तो मेरे क्रेडिट में आप दे सकते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे 6 किताबें मैंने पब्लिश की हैं, और बहुत सारे साथी आरजेएस फैमिली के सुन रहे होंगे, और आपके माध्यम से ये बात जरूर जानी चाहिए, जो सिस्टम में है, सरकार चला रहे हैं, वैसे लोगों को भी जानी चाहिए कि जिस राष्ट्रवाद की, बहुत ही कट्टर राष्ट्रवाद की बात हो रही है, काशी प्रसाद जायसवाल पे बिहार में काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान है, और 1952 में स्थापित हो चुकी, 2012 में एक किताब छपी बिहार से, बिहार का गौरवशाली इतिहास, क्योंकि आप बिहार की यात्रा पर जाते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जिस मंत्रालय से काशी प्रसाद जायसवाल संस्थान को फंडिंग होती है, उसी मंत्रालय ने बिहार का गौरवशाली इतिहास एक पुस्तिका निकाली, जिसमें बड़े बड़े लोगों के ऊपर लेख हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें काशी प्रसाद जायसवाल पर कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं। भारत सरकार, एक प्रपोजल तो मैंने साहित्य एकेडमी को दिया था कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनके शागिर्द रहे हैं दिनकर साहब और राहुल सांकृतायन और तमाम लोग रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर उनके घर पर रुकते थे, गांधी उनकी तारीफ करते थे, जवाहरलाल नेहरू तारीफ करते थे उनके अध्ययन का, कि एक किताब साहित्य एकेडमी से इन पे आनी चाहिए, भारतीय साहित्य के निर्माता सीरीज। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे काशी प्रसाद जायसवाल, लेकिन बगैर कोई कारण बताए वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। आज तक भारत सरकार ने हर समय, अभी राकेश सिन्हा संसद में बोल रहे थे काशी प्रसाद जायसवाल को कोट कर रहे थे, स्मृति ईरानी जब एचआरडी मिनिस्टर थी वो काशी प्रसाद जायसवाल को कोट कर रही थी, बोल रही थी उसके बारे में, लेकिन एक पर्चा भी भारत सरकार ने काशी प्रसाद जायसवाल पर नहीं छापा। ये याद करने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है। मैं ये मेरी राय है कि कम से कम जिनसे भी लिखवाना हो, कम से कम राष्ट्रवाद चल रहा है तो राष्ट्रवादी इतिहास को स्मरण किया जाना चाहिए, जिनसे भी लिखवाना हो एक किताब, चाहे
साहित्य अकादमी छापे, एनबीटी छापे, चाहे प्रकाशन विभाग छापे, उनको एक किताब छापना चाहिए, उसमें हम मदद कर देंगे, हम उनको रेफरेंस बता देंगे। उनकी राइटिंग जितनी अद्भुत है आप सोच नहीं सकते हैं। हिंदू मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, हिंदू ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, एज ए हिस्टोरियन, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं उनसे सहमत हूं या न हूं, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण काम है, लोगों के सामने आना चाहिए। ये आरजेएस फैमिली से एक आग्रह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही लिखवाया जाए, किसी से भी लिखवाए, लेकिन वो विमर्श में आना चाहिए। तो इस आग्रह के साथ मैं 10 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने इसलिए नाम लिया कि अच्छी अच्छी बातें मैं सुन रहा था, बातें सुन रहा था, और राहुल सांकृतायन को स्मरण करते हुए काशी प्रसाद, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि काशी प्रसाद जायसवाल ने राहुल सांकृतायन पर 3 लेख लिखे, 2 लेख लिखे, और राहुल सांकृतायन ने काशी प्रसाद जायसवाल पर 3 लेख लिखे, और काशी प्रसाद जायसवाल 8 भाषाएं जानते थे, लंदन में पढ़े हुए थे, और उन्होंने जो राहुल सांकृतायन के बारे में लिखा है, एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और उसका संदर्भ यह है कि जितने भी साथी सुन रहे होंगे उसको गंभीरता से सुने और मनन करें। मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं और मेरी पॉलिटिकल समझ है, मैं चुनाव लड़ चुका हूं, पॉलिटिकली एक्टिव रहा हूं, लेकिन वहां से मैं अभी एकेडमिक्स की ओर मुड़ा हूं। बहुत मुश्किल होता है राजनीति से एकेडमिक्स से पुनः वापसी, लेकिन शोध के दरमियान जो मुझे रेफरेंस मिले वो दिलचस्प है। काशी प्रसाद जायसवाल लिखते हैं, गंभीरता से सुना जाएगा, कि मेरे ही तरह मेरे सन्यासी मित्र के मन में सदैव 2 भावधाराओं के बीच संघर्ष चलता रहा। राहुल जी केवल बुद्ध के पुत्र नहीं बल्कि वे भारत के सपूत हैं, वे भारत के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने राजनीतिक विषयों पर लिखना हिंदी में शुरू किया, उनमें असीमित लेखनी शक्ति है और साथ ही महान वक्ता भी है। मैंने ही उनसे अनुरोध किया कि आप राजनीति छोड़ दें और वे सहमत भी हो गए, परंतु अनेक बार मैंने अपने अंतःकरण में झांक कर देखा है, जहां विवेक तथा साहित्य और इतिहास के प्रति मेरे बीच संघर्ष चलता रहा है और मैं अनेक बार अपने निर्णय के प्रति सशंकित हो उठता हूं। क्या मैंने राहुल जी एवं अपने देश के करवट लेते भाग्य के बीच खड़ा था? क्या मैंने भारत को एक दूसरे गांधी या जवाहरलाल नेहरू से वंचित कर दिया? क्या मैंने यह उचित कार्य किया? क्या मैंने यह गलत कार्य किया? ये काशी प्रसाद जायसवाल की टिप्पणी है, जो द्वंद है कि राहुल की एकेडमिक और राजनीतिक काबिलियत के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी कहीं नहीं मिलेगी। यह ऐसी टिप्पणी है काशी प्रसाद जायसवाल की, जहां एक इतिहासकार ज्ञान अर्जन और राजनीतिक कर्म के द्वंद के बीच खुद को फंसा पाता है कि आजादी के दौर में कौन सा कार्य श्रेष्ठकर था, बेहतर था, या न तो जायसवाल के लिए अंतिम तौर पर तय हो पाया और न राहुल सांकृतायन के लिए। दोनों ही इतिहास लिखने और इतिहास बनाने के ध्रुवांतों से यकसा आकर्षित रहे। यह द्वंद मेरे अंदर भी था कि एकेडमिक्स या पॉलिटिक्स, और जब लाइन में पढ़ा तो मुझे समझ में आया, मैंने फिर इतिहास दृष्टि से पीछे की ओर देखना शुरू किया कि आखिर कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है। एक दो पंक्तियां और बहुत दिलचस्प है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि राहुल सांकृतायन की जो राजनीतिक क्षमता है उनका मूल्यांकन करते हुए जायसवाल लिखते हैं कि हमारा देश सहस्त्रों वर्षों से अपनी छाती पर जिस असह्य बोझ को ढो रहा है एवं जिन श्रृंखलाओं से जकड़ा है, उस बोझ को दूर करने एवं उन श्रृंखलाओं को काटने में यह शूरवीर निर्भीक सन्यासी क्या नहीं कर सकता था। सही मायने में राहुल सांकृतायन एक स्तर पर गांधी से भी अधिक जनप्रिय और जन समुदाय के निकट हैं। उन्होंने एशिया के प्रत्येक देश तथा यूरोप के अधिकांश देशों की सामाजिक पद्धति को देखा और उनका अध्ययन किया है। आगे लिखते हैं उनका जो संभावित प्रभाव का अंदाजा लिखते हैं जायसवाल कि स्वामी रामोदर जहां सामाजिक आंदोलन के लिए क्षति है, वहीं
त्रिपीटकाचार्य सांकृतायन साहित्य के लिए एक उपलब्धि है। राहुल जी द्वारा पुनरुद्धार की गई तथा अपने देश में वापस लाई गई महाभारत से भी बड़ी बड़ी इन 50 अमूल्य पुस्तकों में से एक भी खोज करने पर कोई भी विद्वान अमर हो जाता। राहुल सांकृतायन तिब्बत से 50 किताबें इम्पोर्टेंट लेके आए थे, कहते हैं कि 22 खच्चर वो किताबें लाए थे, उसके बारे में जायसवाल लिख रहे हैं। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानेंगे कि आजकल बहुत सारे खास तौर से जो वंचित जमात के लोग हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के का एक कोट बहुत ही वायरल करते हैं कि राजनीति में वो शक्ति है, सब समस्या की कुंजी है, तमाम वो सब रिजॉल्व हो जाएगा, सिर्फ राजनीतिक शक्ति हासिल करो। क्या यह समझ पर्याप्त है? सिर्फ राजनीतिक शक्ति हासिल करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो फिर यूएसएसआर टूटता नहीं? एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं और अपनी बात खत्म करूंगा। भारत में लगातार आक्रमण होते रहे, प्राचीन काल से ही लगातार आक्रमण होते रहे, फिर भी जिस संस्कृति की बात करते हैं वह संस्कृति जीवित कैसे रहा? अगर कोई सिर्फ तलवार के बल पर हुकूमत करता तो आज भारत का नक्शा कुछ अलग रहता। सिर्फ तलवार के बल पर हुकूमत नहीं होती, मेरा इशारा संस्थाओं की ओर है कि जिस संस्कृति, जो संस्कृतियां इतने आक्रमणों के बाद अगर बची रही तो सिर्फ राजसत्ता की वजह से नहीं, राजसत्ता तो कहीं और था, वो संस्थाएं थी, आपके मठ थे, मंदिर थे, उस संस्थाओं की वजह से आपकी संस्कृति बची। अब आइए हम लिए चलते हैं ज्योतिबा फुले या डॉक्टर अंबेडकर और तमाम ऐसे लोग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संस्थाओं का निर्माण करवाया, संस्थाएं बनाई, स्कूल खोले, कॉलेज खोले। डॉक्टर अंबेडकर को गंभीरता से पढ़ें, और मैं लगातार कम से कम 500 वीडियो डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग स्पीचेस से बना चुका हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जब आते हैं लौटकर तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, वो अखबार निकालते हैं मूक नायक, वो फिर प्रेस खोलते हैं भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस, 8 आना 4 आना और 2-2 1-1 रुपए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने एक इमारत फंड बनाया था, इमारत बनाना है, आगे क्या करते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित करते हैं, डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट। जब गोल में सम्मेलन में जाते हैं वो, तो गोल में सम्मेलन में उनका भाषण बहुत ही शानदार है, उसको सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। वो राजा महाराजा के तरह एक खिलाफ भी उनका भाषण है, जमींदारों के खिलाफ भाषण है, लेकिन वहां से वो राजा महाराजाओं से चंदा भी लेते हैं, और उस जमाने में दरभंगा महाराज से भी चंदा 50 पाउंड मिला था, 1929-30 की बात कर रहा हूं, 1345 या 1325 कुछ पाउंड चंदा लेके आए थे डिफरेंस क्लास इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, संस्था बनाने के लिए, स्कूल और हॉस्टल खोलने के लिए। वो तो लंदन और अमेरिका से पढ़े हुए थे, दुनिया के किसी शहर में जाते उनको नौकरी मिलती हो तो आराम से जीवन यापन करते। उसके बाद समता सैनिक दल बनाते हैं, कई पार्टी उन्होंने बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाई, जीवन के अंतिम क्षण में रिपब्लिकन पार्टी का पूरा आइडिया, और भारत में पहला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने राजनीति पॉलिटिकल क्लास के लिए रिपब्लिकन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की योजना बनाई थी, दुर्भाग्य से बहुत दिन जीवित नहीं रहे, और उन्होंने पूरा बकायदा, उन्होंने पर्चा है कि राजनीति में जाने से पहले, राजनीति में जाने से पहले नेताओं को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे अपनी बात रखनी चाहिए, कैसे ओरेटरी स्पीकिंग जो स्किल है वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा जाना चाहिए, इसी पूरा उन्होंने बकायदा एक सिलेबस तैयार किया था, और रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल भी अपॉइंट किया था उन्होंने। पोलिटिकल आजकल नेता लोग पढ़ते नहीं है, कोई नेता पढ़ते नहीं, ये मैं बहुत सारे मेरे नेता दोस्त लोग हैं, हर पार्टी में दोस्त हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, कुछ ही लोग होंगे जनरली जो पढ़ते लिखते हैं, बाकी ज्यादातर नेता लोग पढ़ते नहीं। तो इसी दरमियान उनका संघर्ष भी चल रहा है, उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, स्कूल खोले, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, तमाम संस्थाएं बनाई, किताबें लिखा, क्यों?
जो साथी जो कहते हैं कि सिर्फ राज सत्ता से सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि संस्थाएं जीवित रहती हैं, राज सत्ता तो आते जाते रहते हैं, राजा तो प्रधानमंत्री बदलता रहता है, संस्थाएं जीवित रहती हैं। आखिर कई बार ये बात होती है कि 70 साल में क्या हुआ, मैं अग्री नहीं, मैं कोई किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जब आजादी के बाद भारत के पास कोई संसाधन नहीं था, बहुत कुछ अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू में बहुत गहरे मतभेद थे, लेकिन एक बात की सहमति थी कि हमें संस्थाओं का निर्माण करना है, संस्थाएं बनाने हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सारे बनाने हैं। क्या इस जो हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, क्या इस पर एक चिंतन मनन होने की जरूरत है कि समाज और राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी है, क्या भारत के तमाम बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन, सस्ता एजुकेशन मिल सकता है, दिया जा रहा है, ये कुछ और हो रहा है, वो संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, क्या हो रहा है? ये सवाल, एक बौद्धिक सवाल तो हम लोगों को उठाना ही चाहिए। क्या एक आम आदमी का बच्चा जो हालत है इस देश में पढ़ सकता है? फीस कितनी महंगी हो रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, कैसे पढ़ेगा जो 5,000-10,000 जिसकी तनख्वाह है? तो मेरा कहना यह है कि सत्ताएं आती जाती रहती हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने एक कविता भी लिखी थी 1905 में, सरस्वती में छपा था, कवि कीर्ति, वो लिखते हैं कि राजे महाराजे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कवि की कृति जो है ना अजर अमर होती है। युगों को तो कालिदास को हम लोग पढ़ते ही हैं, तो कवि की कृति अजर अमर होती है। वैसे साथियों को मैं ये बात एक सलाह देना चाहता हूं कि सिर्फ राज सत्ता नहीं, संस्थाओं का निर्माण जरूरी है। लीडर्स स्कूल और कॉलेज में बनाए जाते हैं, एमएलए एमपी हो सकता है बाद में चुनाव में बनते हो, तो इसलिए इस मंच पे एक आग्रह के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जितने ज्योतिबा फुले हों उन्होंने शिक्षा में बल दिया, फातिमा शेख, सावित्री बाई फुले स्कूल खोले, इसी भारत के लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंके थे, 2 साड़ी लेकर जाती थी, उन्होंने फिर भी स्कूल खोले। क्या अब भारत के पास बहुत संसाधन है, क्या ऐसा विश्वविद्यालय हम खोल सकते हैं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सके, रख सके, बच्चों को खाना खिला सके? स्थितियां काफी विपरीत है, न तो गंभीर। एक आम, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और जिस समय मैं छात्र था, मैं आया था, 200-300 रुपए फीस थे, 400 रुपए देकर मैं पढ़ा हूं, और आज क्या हमारे जिस मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आता हूं, आज क्या मेरे पिताजी दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ा सकते थे? हॉस्टल्स नहीं है, आके देखिए एक एक मकान, 2 रूम के मकान दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास विजयनगर और हटसन लाइन में जाकर दिए, 45,000 रुपए किराया है जी, और हॉस्टल प्राइवेट हॉस्टल खुले हुए 15,000-20,000 रुपए है एक बेड का, रहने खाने का। क्या मेरे पिताजी आज होते तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा पाते? 600 रुपया से मैंने महीना लेना शुरू किया था, 1,000 रुपया निपटा था, 90-91 की बात कर रहा हूं, उतने में दिल्ली में रूम किराए पर भी ले लिया, पढ़ाई भी कर ली, और आज जो हूं आपके सामने हूं। क्या आज आम लोग के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे कोई बेहतर विश्वविद्यालय में शिक्षा ले सकते हैं? सवाल है। और चलते चलते एक बात कहता हूं कि अंबेडकर नामा हमारा यूट्यूब है, देखिएगा, पिछले 6 महीने में 2 छात्रों को हमने इसी मंच का इस्तेमाल करके, एक को लंदन यूनिवर्सिटी भेजा एलएलएम करने के लिए, और एक छात्र को जर्मनी भेजा, एक के लिए 24 लाख रुपए इकट्ठे किए, एक के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। मुझे लगता है कि अगर 20-25 बच्चों को मैं इस तरह से पढ़ा दूं अपने जीवन में, तो मेरे लिए यही पे बैक टू दी सोसाइटी होगी। शुक्रिया जो मैंने बातें कही है, थोड़ा उसको उस पर विमर्श को आगे बढ़ाया जाए, संस्थानों का निर्माण, संस्थानों को बचाना, वाकई हम किस तरह का भारत चाहते हैं। विश्वगुरु भारत ज्ञान से बनेगा, विश्वगुरु ऐसे कहने से नहीं बनता है, विश्वगुरु ज्ञान से बनेगा, और ज्ञान के प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल नैरेटिव की भी जरूरत है। असहमतियों की डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हम सब एक विचारधारा मानते हैं और एक साथ रहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हम सब अलग अलग विचारधारा भी मानते हैं फिर भी साथ रहते हैं। तो विश्वगुरु सिर्फ भाषण देने से और हंगामा करने से नहीं होगा, उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल चाहिए इस देश में,
पॉलिटिकल साइंटिस्ट चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, इसके लिए कितना फंड है, कितना बजट है, बढ़ोतरी हो रही है या कट रहा है, इन विषयों पर विचार जरूर किया जाना चाहिए और जो लोग समाज सत्ता को चला रहे हैं उनके पास ये सुझाव जरूर जाना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।